हेलो एवरीवन, तो फाइनली हमारे पास फीडबैक आना स्टार्ट हो चुका है। दिस फीडबैक हैज बीन टेकन फ्रॉम द 12 स्टूडेंट्स, जहाँ पे एवरेज भी हैं एंड एक टॉप का स्टूडेंट भी है जिसके पिछली बार मेंस में 200 मार्क्स आए थे एंड उसने ड्रॉप लिया था। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स से, जो मॉडरेट स्टूडेंट्स होते हैं उनके फीडबैक से, ताकि एक रफ आइडिया लग जाए कि क्या वहाँ पे हो रहा था। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ लेवल की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी के बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि इस साल जो लेवल था वो कैसा था, क्या वो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या सेम रहा। जो बच्चों ने बोला कि जो 2019 एंड 20 वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका जो लेवल था वही सेम लेवल इस साल भी ऑब्जर्व किया गया था। इट वॉज नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज बट द सेम। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके रखे हैं तो आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहा था। उसके बाद फिर हम पर्टिकुलर सेक्शंस पे बढ़ने लग पड़े। तो सबसे पहले जब मैंने फिजिक्स के बारे में पूछा तो फिजिक्स के बारे में मुझे ये फीडबैक मिला, यू पीपल ऑल्सो मेंशन द कमेंट सेक्शन आपका क्या फीडबैक है, दैट इट वॉज स्लाइटली लेंथियर। इट वॉज लेंथियर देन द प्रीवियस ईयर पेपर, थोड़ा सा लेंदी था। इट वॉज वेरी 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 टाइम कंज्यूमिंग इन नेचर। अब प्लीज अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्टी में डिफरेंस होता है। द स्टूडेंट सेड दैट द लेवल वॉज स्लाइटली, इट वॉज लिटल लेस देन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, बट इट वॉज लेंदियर इन कंपेरिजन टू द अदर पेपर्स। तो ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की गई थी। सेकेंड जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एक बेसिकली बहुत ही यूनिफॉर्म पेपर आया था। अब यूनिफॉर्म पेपर का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की गई कि जितने क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आए सेम फिजिकल से आए सेम इनऑर्गेनिक से आए, एक्सेप्ट जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वहां पे ज्यादा फिजिकल ऑब्जर्व किया गया था, वो तो ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो हमें पता चला है कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, इफ यू रिमेंबर, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हर स्टूडेंट की जो डिफिकल्टी जिसमें फेस किए जाती थी, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में सिंस अब ऑप्शंस आ चुके हैं कि अब मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको कुछ एक सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उस सिलेक्टिविटी के द्वारा मार्क्स इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। तो मैं पहले से मैं बोलते भी आ रहा था दैट सिलेक्टिविटी जितनी आप दोगे उससे मार्क्स इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, एंड मे बी यू कैन अंडरस्टैंड दैट 10-15% हायर मार्क्स में हमें सेम परसेंटाइल भी मिल सकता है। तो ये चीज भी यहाँ पे ऑब्जर्व की गई थी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। तो न्यूमेरिकल बेस से कोई नुकसान नहीं हुआ है, सबका फायदा ही हुआ है। अब एक अच्छे बच्चे से मैंने बात की थी जिसके मैं बारे में बता रहा था, जिसके 200 मार्क्स आए थे पिछली बार ड्रॉप लेने से पहले, उसने मुझे ये बताया कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस तब आपके लिए नुकसान कर सकते हैं, जो भी फ्यूचर में एग्जाम देने वाले उनके लिए बता रहा हूं मैं, कि जब आप किसी सब्जेक्ट में फंस के रह जाओ बट आपको समझना पड़ेगा कि आपको वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता, सीधा ही मेंटली आपका क्रॉस मानना पड़ेगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो सबसे यू कैन से दैट यूनिफॉर्म पेपर आया है। केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया था, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था, तो वो भी एक बहुत बेनिफिशियल रहा है स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अगर मैं उस गुड स्टूडेंट के हिसाब से बात करूं जिसने 2020 में 200 मार्क्स पे ड्रॉप लिया था, उस स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि जो पेपर का लेवल था दैट वॉज वेरी 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 मॉडरेट, ओवरऑल एक मॉडरेट पेपर था, कोई खतरनाक आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्टेड जो अनएक्सपेक्टेड पेपर है उस प्रकार का नहीं आया है पेपर। ये अच्छी चीज मुझे सुनने को मिली वहां से। अब उसने मुझे ये बोला जो मैं भी बोल रहा हूं इस वीडियो में, दैट जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं जो भी फ्यूचर में एग्जाम देंगे, प्लीज कीप इन योर माइंड दैट मार्क्स मे इंक्रीज दिस ईयर, बिकॉज ऑप्शन आने के द्वारा न्यूमेरिकल बेस्ड में कि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज ही हो रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू हिम उसके सारे क्वेश्चन सही होंगे न्यूमेरिकल में बिकॉज उसको ऑप्शंस वहां पे मिल गए थे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, तो पॉलीमर में से एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था जहां पे पॉलीमर्स को मोनोमर से मैच करना था। बायोमोलिक्यूल में से जो क्वेश्चन आया था दैट बेसिकली वॉज अ वेरी सिंपल कि अल्फा हेलिक्स के बारे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इंटरैक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया था, एंड डाइएसोटाइजेशन जो हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब और कोई चीज उनको मिल भी नहीं थी पूछने के लिए, बस उसी बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था, और साथ में अच्छे अच्छे मिक्स रिएक्शन क्वेश्चन भी ऑब्जर्व किए गए। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के पेपर नहीं आया था आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो फ्यूचर में जैसे मुझे और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे मैं डालता रहूंगा इसी चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर दैट आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया है, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, बिकॉज आप सभी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक फ्री सीरीज, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है इस चैनल के ऊपर, ताकि हर वीडियो से आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।